गैंगस्टर एक्ट में गैंग लीडर अतीक अहमद के आवास का ध्वस्तीकरण शुरू। देहरादून के तुंतरोवाला में कोतवाली में दर्ज मुकदमे की धारा 568/22 के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट में गैंग के लीडर अतीक अहमद के विरुद्ध गैंगस्टर प्रावधानों के तहत तुंतरोवाला मेहुवाला स्थित आवास का ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कई अधिकारियों की मौजूदगी में दो दो जेसीबी को मौके पर लाया गया और 1 बजे से ध्वस्तीकरण शुरू हुआ। मौजूद लोगों का कहना था कि आज दूसरे अतीक अहमद की कार्यवाही होने से शांति की सांस ली। काली कमाई से बनाया गया आवास जो कि गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था उसका टूट जाना ही ठीक था। अभी भी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जारी है। अतीक अहमद के घर वालों के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका मानना है कि उन्हें जबरदस्ती झूठे मुकदमों में फंसाया गया। 2 मुकदमे से बरी हो गए, 1 मुकदमे का फैसला अभी कगार पर है। नवभारत समाचार देहरादून उत्तराखंड से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि जब यहाँ पे आए तो 1-1 लाख की बिल्लियाँ भी यहाँ पे मिली है। बिल्लियाँ तो अब भी बहुत है, 1-1 लाख की कीमत है। हाँ होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल अभी भी बिल्ली बहुत है। सर वो अतीक अहमद यहाँ पे रहते नहीं थे क्या? नहीं, यहाँ परिवार काम था, वो खाली कराया गया, सामान उनका और रखा है उधर, आप देख सकते हैं, फोटो खींच लो सामान की। आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि पहले परिवार वालों को आगाह किया गया था कि इस मकान को खाली करें, नोटिस दे करके तब कार्रवाई की गई। आज से 3 महीने पहले, दिवाली से पहले इनको नोटिस दी गई थी। आप देख सकते हैं दोबारा दिए सर, बताया जा रहा है गैंगस्टर एक्ट के तहत में मुकदमा दर्ज है, फरार भी ये लोग ये चल रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैंगस्टर और फरार चल रहा है अतीक अहमद का। ये 4 बीघे का बताया जा रहा है ये आवेद अतिक्रमण जो किया हुआ था, आखिरकार टूट ही गया। देखिए आप सीधी लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं।